वनडे इतिहास में सबसे कम उम्र का नंबर 1 खिलाड़ी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, T20 क्रिकेट में केवल 2 ओवर में 5 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी, विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट अपने नाम दर्ज किया, टेस्ट क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाला और 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी। क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि यह खेल संभावनाओं पर आधारित है। इस खेल में आखिरी गेंद तक मैच का रुख बदल सकता है। इसी तरह क्रिकेट खिलाड़ियों का जीवन भी होता है, जो किसी संभावना से कम नहीं होता है। भारत में तो क्रिकेट खिलाड़ियों के सिर पर हमेशा से तलवार लटकी होती है। अगर आप एक सीरीज एक मैच में अच्छा नहीं खेले तो फिर आपका पत्ता कभी भी कट सकता है। ऐसे में खिलाड़ियों को हमेशा फिट रहना होता है और उन्हें मैदान पर अपना बेस्ट देते रहना होता है। कहा जाता है कि इंसान को किस्मत, मेहनत और लगन, ये 3 ऐसी चीज है जो बुलंदियों तक ले जाती है। इन चीजों के दम पर कोई भी इंसान उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है जहां वह जाना चाहता है। आज हम आपको उस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसने बहुत ही कम उम्र में देश दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है। खासकर जब यह खिलाड़ी IPL का हिस्सा बना तो इस खिलाड़ी का व्यक्तिगत फायदा यह हुआ कि यह करोड़पति बन गया। लेकिन इस खिलाड़ी ने इस मंच पर देखा कि पूरे विश्व के खिलाड़ी किस स्तर के हैं, क्योंकि IPL में विश्व के चुनिंदा खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इस खिलाड़ी को IPL ने हीरो बना दिया। अब तक इस खिलाड़ी का बचपन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में गुजरा था। इस खिलाड़ी का परिवार जीवन यापन के लिए अपना देश छोड़कर भाग गए थे ताकि परिवार की जान बच सके। जब यह लौटकर वापस आया तो देश दुनिया में अपने साथ अपने देश का नाम रोशन किया। इस खिलाड़ी का नाम राशिद खान। राशिद खान का जन्म अफगानिस्तान के एक पश्तून परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में उनका एक विशाल परिवार है। हालांकि उनके पूरे परिवार के बारे में जानकारी नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह था कि वे पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए थे। राशिद 10 भाई बहन हैं, जिसमें से राशिद का नंबर 6 स्थान पर है। राशिद खान की ही तरह उनके भाई आमिर खान भी एक अच्छे बॉलर हैं। जब राशिद बिग बैश लीग खेल रहे थे उस समय उनके पिता का निधन हो गया। जून 2020 में लंबी बीमारी के बाद राशिद की मां का भी निधन हो गया। आपको बता दें कि राशिद खान का परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच पले बढ़े हैं, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान युद्ध का सामना कर रहा है। उनका परिवार कुछ सालों के लिए पाकिस्तान चला गया, जहां राशिद खान ने पहली बार क्रिकेट खेलने में रुचि विकसित की। हम राशिद खान के क्रिकेट कैरियर के बारे में जाने उससे पहले बात कर लेते हैं उनके लाइफस्टाइल और उनकी जीवन शैली के बारे में। राशिद खान अफगानिस्तान के नंगरहार शहर जलालाबाद के रहने वाले हैं। राशिद खान ने IPL 2021 के बाद जब घर पहुंचे तो उन्होंने एक फोटो शेयर किया था जिसकी तारीफ भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने की थी। हालांकि उस घर को बनाने में कितना खर्च हुआ किसी को नहीं पता है। इस घर को लेकर हबजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, डीजे ब्रावो, डेनियल व्याट, खलील अहमद समेत कई क्रिकेटरों ने राशिद के इंस्टाग्राम फोटो की तारीफ की थी। जब आप देखेंगे तो आप भी तारीफ कर ही देंगे। राशिद खान के पास अपनी कुल संपत्ति में से कुछ पसंदीदा कार भी अपने पास रखे हैं। उनके पास लैंड रोवर वोग है जिसकी कीमत 1.74 करोड़ है। टोयोटा फॉर्च्यूनर, इसकी कीमत 35 लाख रुपए है। मित्सुबिशी आउटलैंडर PHEV, इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। अब चलिए बात करते हैं राशिद खान के क्रिकेट कैरियर के बारे में। राशिद को बचपन से ही क्रिकेट से प्यार था, लेकिन परिवार इधर से उधर भटकता रहा। ऐसे में न तो अच्छे से पढ़ाई हो पाई और न ही उन्होंने क्रिकेट को ठीक से सीखा। हालांकि अफगानिस्तान युद्ध के बाद राशिद का परिवार पाकिस्तान से लौटकर फिर से अफगानिस्तान में आ गया था। यहां आने के बाद राशिद स्कूल जाने लगे थे। तब उनकी उम्र 12 साल की थी और वे स्कूल में अपनी बैटिंग और गेंदबाजी का जलवा बिखेरने लगे थे। राशिद शाहिद अफरीदी के फैन हैं। उनकी बॉलिंग एक्शन में अफरीदी की झलक दिखती है। स्कूली दिनों में उन्होंने कई ऐसे मुकाबले खेले जिससे उन्होंने कोच को प्रभावित किया। स्कूली क्रिकेट खेलने के बाद उनका चयन सीधा नेशनल टीम के लिए हो गया था। राशिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले नेशनल टीम में डेब्यू किए,
उसके बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। दरअसल साल 2015 में जिम्मे बाब्वे के खिलाफ उन्हें एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया। इसके 7 दिन के बाद ही उन्हें T20 मुकाबलों में भी खेलने का मौका मिल गया। इसके बाद साल 2016 में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने साल 2016 में अबू धाबी में अपना पहला घरेलू मैच इंग्लैंड लाइंस के खिलाफ खेला था, जिसमें उन्होंने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जमाया और पूरे मैच में 12 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। इतनी छोटी सी उम्र में राशिद कमाल कर रहे थे। इसके बाद साल 2017 में राशिद खान ने आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल करने का कारनामा किया। उस मैच में उन्होंने 2 ओवर फेंके थे और 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। इस दौरान महज 3 रन खर्च किए थे। उनके इस कारनामे के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ डी मैच का खिताब भी दिया गया था। इस मैच के कुछ ही दिनों के बाद राशिद खान वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे मुकाबले में कमाल कर दिया। उन्होंने 18 रन खर्च कर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। यह पहली बार था जब सहयोगी राष्ट्र खिलाड़ी के रूप में एक मैच में 7 विकेट लिए। साल 2018 में राशिद खान ने भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। राशिद के लिए पहला टेस्ट मैच उतना बेहतर नहीं रहा था। उन्होंने पहली पारी में 150 से अधिक रन खर्च किए थे। उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने 100 से ज्यादा रन लुटाए थे। राशिद खान का कैरियर अब परवान चढ़ने लगा था। ये वह समय था जब राशिद खान हमेशा आगे की ओर देख रहे थे। साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच में राशिद खान को अफगानिस्तान टीम की कमान दे दी गई। तब उनकी उम्र महज 20 साल 350 दिन का था। वे टेस्ट मैच टीम की कप्तानी करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। राशिद टेस्ट मैच से पहले एक दिवसीय मैचों में 19 साल 165 दिन में अपनी टीम की कमान संभाल ली थी। यहां वे सबसे कम उम्र के कप्तान बने थे। 2019 के विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब राशिद खान ने जब शाई होप को आउट किया, तब वे वनडे में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज और सबसे कम उम्र के गेंदबाज बन गए थे। राशिद ने अपना रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के 52 मैचों में 100 विकेट के रिकॉर्ड को ब्रेक किया। राशिद ने 44 मुकाबलों में 100 विकेट अपने नाम दर्ज किया था। आपको बता दें कि साल 2018 में राशिद ने T20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने का कारनामा किया था। इतना ही नहीं, साल 2021 में राशिद खान 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज बन गए थे। कप्तान के रूप में राशिद खान साल 2019 विश्व कप समाप्त होने के बाद राशिद खान को तीनों प्रारूपों में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। कप्तान के रूप में राशिद खान ने सितंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ था। अफगानिस्तान ने यह मैच 224 रनों से जीता था। राशिद खान अफगानिस्तान के लिए टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे और टेस्ट मैच में कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में राशिद ने अर्धशतक भी जमाया और 10 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया था। एक कप्तान के रूप में यह कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद साल 2019 में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राशिद खान को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कप्तानी से हटा दिया था। हालांकि जुलाई 2021 में उन्हें फिर से अफगानिस्तान T20 टीम की कमान दे दी गई, लेकिन उन्होंने कप्तानी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने मुझसे पूछे बिना ही मुझे कप्तान बनाया गया था। इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए T20 क्रिकेट में अपना 400वां विकेट लिया था और दिसंबर 2022 में उन्हें मोहम्मद नबी के बाद T20 का कप्तान बना दिया गया। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं राशिद खान के रिकॉर्ड को लेकर। राशिद खान के पास ICC की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी है। वह ICC T20 गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। राशिद खान अंतरराष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 19 साल 165 दिन भी हैं। राशिद के पास T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 50 विकेट तक पहुंचने में सबसे कम समय लेने का रिकॉर्ड भी है।
ऐसा करने में उन्हें केवल 2 साल 220 दिन लगे। राशिद खान एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं। वह केवल 44 मैचों में ऐसा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी भी हैं। राशिद के नाम अफगानिस्तान के लिए 3 रन देकर 5 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड भी है। वह टीबीसी में केवल 2 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। आयरिश खिलाड़ी पॉल स्टर्लिंग के साथ राशिद खान के नाम एक ही एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में विभिन्न टीमों से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। दोनों खिलाड़ियों ने मैच में 6 विकेट लिए थे। वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लिए हैं। राशिद खान टेस्ट मैचों में 5 विकेट और 10 विकेट लेने वाले पहले अफगान गेंदबाज हैं। वह टेस्ट मैचों में कप्तान के रूप में 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। राशिद खान एक ही टेस्ट मैच में अर्धशतक बनाने और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। राशिद खान के नाम कैरेबियन प्रीमियर लीग में पहली बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2017 के सीजन में हैट्रिक ली थी। राशिद ने 2020 में एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ बिग बैश लीग में हैट्रिक भी ली थी। राशिद टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 शिकार पूरे करने वाले गेंदबाज हैं। स्पिनर ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान लसिथ मलिंगा के 76 मैचों के रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए 53 मैच लिए। राशिद खान अमित मिश्रा के साथ 100 आईपीएल विकेट हासिल करने वाले संयुक्त सबसे तेज स्पिन गेंदबाज हैं। राशिद खान टी20 अंतर्राष्ट्रीय और फ्रेंचाइजी क्रिकेट सहित 450 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 4 गेंदबाजों में से एक हैं। राशिद का वनडे क्रिकेट में करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत 18.65 है। राशिद खान को भारत में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। रही बात राशिद खान के विवाद को लेकर, तो साल 2021 में राशिद खान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मनमुटाव की खबरें आई थीं। इसके साथ ही राशिद खान ट्विटर विवाद के कई मामले सामने आते रहे हैं। राशिद खान को विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ जोड़कर भी दिखाया गया है, हालांकि ये एक मिम्मस की तरह था जिसे गूगल ने बाद में हटा दिया। भारतीय जनता ने राशिद को भारत की नागरिकता तक लेने की सलाह दे दी थी। राशिद खान में अभी एक लंबा क्रिकेट अभी बाकी है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। राशिद खान की कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।